कर्नाटका में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात पर दुर्ग सांसद विजय बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। सांसद विजय बघेल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से डर भय की राजनीति किया करती है, लोगों को डराकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती है। जो भी स्वतंत्र एजेंसी काम करती है उस पर मीसाबंदी से लेकर आज तक के इतिहास में सभी पत्रकारों को उस वक्त और आरएसएस के लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था, वही नीति आज तक चल रही है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा पत्र में जिक्र भी उसी की परिणति है, जिसका मैं घोर निंदा करता हूं। आप 1975 याद है सबको, इंदिरा जी के समय आपातकाल लगा दिया गया, आरएसएस के साथ साथ सारे पत्रकार में पत्रकारिता पे बैन लगा दिया गया। इनके हित में जो छापे वही चलेगा, बाकी नहीं छपेगा। कितने लोगों को जेल में ठूस दिया गया, मतलब सारे जो संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम करने वाली उस पर बैन लगा दिया गया। आज वही स्थिति आज भी दिख रही कर्नाटक में, और कर्नाटक अपना चुनाव षड्यंत्र करके, चुनावी षड्यंत्र करके जो कांग्रेस हमेशा से छलावा करती है, और छलावा करके जैसे छत्तीसगढ़ में अपना शासन स्थापित कर ली, हिमाचल प्रदेश में अपना शासन स्थापित कर ली, उसी रास्ते पर कर्नाटक में भी कांग्रेस चल रही है और इसका दुष्परिणाम उन्हें झेलना पड़ेगा। बजरंग दल एक स्वतंत्र संस्था है, और जो भी संस्था है अपने उद्देश्यों को लेके, अपने बहुत सारे जो जनहितकारी मामलों को लेके, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे राजनीतिक जो अस्थिरता है उसके नाम से हो, अपना आंदोलन चलाती है, उनको उनकी स्वतंत्रता से अलग नहीं करना चाहिए, उनको हितों की रक्षा होना चाहिए। और आज इस तरह के जो निर्णय लिए कांग्रेस, उसकी घोर निंदा भारतीय जनता पार्टी करती है। ग्रेनेसी न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।